नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं अनमोल जड़ी बूटी। दोस्तों आज की जानकारी बेहद खास है। दोस्तों आज हम जमाल गोटा के फायदे के बारे में बात करेंगे। जमाल गोटा के पेड़ की ऊंचाई 15 से 20 फीट होती है। इसके पत्ते 2 से 4 इंच लंबे, पतले, चिकने और 3 से 5 सिराओं वाले होते हैं। इसका फूल हरा पीला होता है। प्रकृति में 2 से 3 इंच लंबा होता है। इसका फल 1 इंच लंबा, सफ़ेद और गोल होता है और 3 भागों में बटा होता है। इसके बीच अंडाकार और भूरे रंग के होते हैं और 0.5 से 0.7 इंच तक लंबे होते हैं। बीज के अंदर लाल भूरे रंग का तेल जैसा पदार्थ होता है। इसके फूलों को गर्मी के मौसम में देखा जाता है और फल सर्दियों के मौसम में दिखाई देते हैं। इस औषधीय पौधों के बीज और उनसे निकलने वाले तेल उपयोग किया जाता है। जमाल गोटा स्वाद में तीखा और गुण में रूखा, भारी और तेज होता है। जमाल गोटे की तासीर गर्म होती है। गर्म तासीर के कारण इसे शरीर में पित्त बढ़ता है और कफ पतला होता है। दोस्तों आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल करने से पहले इसके बीज को शुद्ध करने के लिए शोधन विधि के बारे में बताया गया है। शुद्धि विधि बीज की विषाक्तता को कम करने के लिए की जाती है। इसके बीज को लेकर 2 भागों में काट लिया जाता है। फिर बीजों को गाय के दूध में लगभग 3 घंटे के लिए उबाला जाता है और मिट्टी की प्लेट में बीजों को रख कर सूरज की रोशनी में सुखाया जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि ये किन किन रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों जमाल गोटा के शुद्ध बीजों का पेस्ट गंजेपन का इलाज करने के लिए सिर पर लगाया जाता है। इसे प्रतिदिन लगाते रहें, इससे गंजापन रोग ठीक हो जाता है। इसके बीज पाउडर को 20 से 40 मिलीग्राम की खुराक में दिया जाता है, जिसे जलोदर और गंभीर कब्ज की समस्या का इलाज होता है। तो एक्जिमा जैसे त्वचा रोगों के उपचार के लिए जायफल के बीज का पेस्ट त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। दोस्तों जमाल गोटा 100 ग्राम पाउडर में एक काली मिर्च को पीसकर पानी के साथ पिलाने से सांप का काटा हुआ जहर निकल जाता है। जमाल गोटा का प्रयोग आंत के कीड़ों को निकालने के लिए भी किया जाता है। आंत के कीड़ों का इलाज करने के लिए 20 मिलीग्राम जमाल गोटा के बीज को गर्म पानी के साथ दिया जाता है। दोस्तों जमाल गोटा के पौधे के पत्ते को पीस कर पेस्ट कर फोड़ों में लगाने से फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा इसका उपयोग गठिया में किया जाता है, पीलिया के उपचार में किया जाता है। दोस्तों हमने जमाल गोटा के पौधे के उपयोग करने की जो शुद्धिकरण विधि है, जिसको मैंने वीडियो के पहले ही बता दिया है, आप उसी विधि का उपयोग कर इसका शुद्धिकरण करें और इसका उपयोग करें। इससे आपको कोई हानि नहीं होगी।